जब हमारा हाथ या पैर अचानक से मुड़ जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें यही लगता है कि बॉस आज तो हमारे शरीर की जो हड्डी है वो टूट ही गई है। ऐसे में हम फटाफट एक्सरे कराने जाते हैं और 5-10 मिनट के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर की हड्डी जो है वो टूट गई है या फिर बच गई। अब जरा सोचिए कि अगर एक्सरे में ही आपको पता चल जाए कि आपको कोरोना वायरस है या फिर नहीं तो कितना आसान हो जाएगा। अब इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहें कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, क्या फालतू की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारी बात हवा में नहीं कर रही हूँ बल्कि ये सच है। जी हाँ, IIIT भागलपुर ने कोरोना जांच के लिए डिजिटल एक्सरे सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इससे कुछ ही पलों में आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है या फिर नहीं, और सिर्फ कोरोना ही नहीं ये कई दूसरी बीमारियों के बारे में भी आपको बता देगा। तो चलिए आज का बिन मांगा ज्ञान इसी पढ़ लेते हैं। दरअसल IIIT भागलपुर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए डिजिटल एक्सरे सॉफ्टवेयर तैयार किया है। खास बात तो ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो पता कर सकता है कि मरीज को कोरोना वायरस से वो संक्रमित है या फिर उस मरीज को सामान्य सर्दी जुकाम से वो पीड़ित है। ये सॉफ्टवेयर कोरोना के साथ साथ टीबी और निमोनिया की भी रिपोर्ट दे सकता है। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि इस समय ये सॉफ्टवेयर इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों के मन में कोरोना को लेकर इतना खौफ बैठ गया है कि अगर किसी को सीजनल खांसी या सर्दी भी है तो लोग उसे कोरोना वायरस समझ रहे हैं और जांच के लिए सैंपल दे रहे हैं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR महज 1 या 2 दिनों में ही इस सॉफ्टवेयर को अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो दे सकता है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने भी इस सॉफ्टवेयर की तारीफ की है और इसके साथ साथ निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई भी दी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर इस तकनीक को मंजूरी मिल जाती है तो कोरोना वायरस की जांच 5-7 मिनट में तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ पैसे भी करीब करीब सिर्फ 100 रुपए ही लगेंगे और इससे बेहतर तो इस वक्त फिलहाल कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बाद मरीज के फेफड़ों पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं इसका एक्सरे और सीटी स्कैन रिपोर्ट में साफ पता चल जाता है। वहीं ऐसे हजारों मरीजों के एक्सरे और सीटी स्कैन रिपोर्ट को इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है और जब किसी नए कोरोना संदिग्ध मरीज के एक्सरे और सीटी स्कैन इमेज का इनपुट दिया जाता है तो ये टेली करके बता देता है कि कोरोना वायरस संक्रमण है या फिर नहीं। IIIT भागलपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद चौबे का मानना है कि इस सॉफ्टवेयर की सहायता से देश में बिना किट के कोरोना वायरस जांच की रफ्तार बढ़ जाएगी और अगर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल हॉस्पिटल्स और सदर अस्पताल में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद सिर्फ एक्सरे या फिर सीटी स्कैन इमेज के सहारे ही कोरोना वायरस की जाँच हो पाएगी। फिलहाल कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन इस जांच प्रक्रिया की मदद से मरीजों का इलाज फटाफट शुरू किया जा सकेगा। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने कहा है, इस सॉफ्टवेयर की जानकारी MHRD को दी थी, मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को पसंद किया है, सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट ICMR को भी भेजी गई थी, ICMR ने इसमें कुछ सुधार करने को कहा था, सुधार कर इसे दोबारा भेजा गया, वहां से कहा गया है कि 1-2 दिन में प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ने के बाद मंत्रालय से आए निर्देश पर काम करते हुए IIIT के निदेशक प्रोफेसर चौबे और टीचर डॉक्टर संदीप राज ने सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए JLN MCH के एक्सरे प्लेट पर भी परीक्षण किया गया जिसमें 100% सही रिजल्ट आए थे। प्रोफेसर चौबे ने कहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये सॉफ्टवेयर कहीं पर भी कोरोना वायरस की जांच करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाएगा। ये तो बात हुई गुड न्यूज की, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर एक बुरी खबर भी है। अगर आप कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं तो भी आपके लिए खतरा खत्म नहीं हुआ है। दरअसल स्पेन और ब्रिटेन दोनों ही देशों में कोरोना को लेकर स्टडी हुई है और दोनों देशों की स्टडी लगभग एक जैसी ही है। स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज कुछ ही महीने बाद अपनी इम्यूनिटी खो देते हैं, यानी उनके दोबारा संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है।
इसलिए एक तरफ तो राहत की खबरें आ ही रही हैं, दूसरी तरफ डराने वाली खबरें भी आ रही हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि अपना बचाव करिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ABP News आपको रखे आगे।